ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपना यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो ओपन किया और आप सभी मित्रों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आला वैकुंठ पुरमलोक को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। और मैंने जो 2 वर्ष पहले रिव्यू किया था आला वैकुंठ पुरमलोक का, उस पर व्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि भाई आला वैकुंठ पुरमलोक का हिंदी डब्ड वर्जन अभी 9 दिन के बाद ही 26 जनवरी को थिएटर में रिलीज होने वाला है। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ ये पढ़कर, तो मैंने गूगल पर गया, मैंने सर्च किया, तो देखा कि भाई लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस ने इसे कवर किया हुआ है और ये ऑफिशियल है। आला वैकुंठ पुरमलोक का हिंदी डब्ड वर्जन 26 जनवरी को थिएटर में रिलीज होने वाला है। मुझे ये जानकर कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले मैंने पुष्पा के बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर एक वीडियो बनाया था और उस पर हमने चर्चा की थी कि पुष्पा को ये जो सक्सेस मिली है इससे कैसे 3 बहुत बड़े बदलाव भविष्य में आने वाले हैं। वीडियो भी आप जरूर देखना, करीब 83,000 व्यूज अभी तक उस पर आ चुके हैं हमारे उस वीडियो पर। तो उसी वीडियो में 3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि देखिए, पुष्पा एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है, एक डार्क सब्जेक्ट पर आधारित फिल्म है, काफ़ी सारा वायलेंस वगैरह भी ये फिल्म है। तो उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादातर युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या जो बुजुर्ग है, या जो फैमिली ऑडियंस है, वो पुष्पा की टारगेट ऑडियंस नहीं थी। क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज अपने बच्चों को साथ में लेकर ऐसी ज़्यादा वायलेंस वगैरह या डार्क सब्जेक्ट पर आधारित फिल्में देखने के लिए नहीं जाती है। तो मैंने तब कहा था उस 3 दिन पहले वाले वीडियो में कि सोचिए अगर आला वैकुंठ पुरमलोक को हिंदी में रिलीज किया जाता 2 वर्ष पहले जब वो रिलीज हुई थी, तो डेफिनेटली पुष्पा से उसका 2 गुना ज़्यादा कलेक्शन होता। और देखिए आज ये न्यूज़ आ गई है, 2 दिन पहले मैंने ये बात कही थी और आज ये न्यूज़ आ भी गई है कि आला वैकुंठ पुरमलोक का हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज होने वाला है। 2 वर्ष के बाद में हो रहा है। वैसे देखिए 2020 के मकर संक्रांति के त्यौहार पर 12 जनवरी को आला वैकुंठ पुरमलोक थिएटर में रिलीज हुई थी और क्या क्रेज था उस समय। मतलब सारे के सारे शोज हाउसफुल थे पूरे भारत में। मैंने बुक माई शो पर जाकर चेक किया था उस समय, और एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आला वैकुंठ पुरमलोक को थिएटर में देखना। मुझे अभी भी उसके 2 सीन्स अच्छी तरीके से याद है, एक बोर्ड रूम मीटिंग वाला सीन और दूसरा फिल्म के एंडिंग में जो एक एक स्लो मोशन में एक पुराने समय का एक ऐसा म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था और उस स्लो मोशन में जो एक एक्शन सीक्वेंस है ना भाई, वो 2 सीन्स मैं उन्हें दोबारा से बड़े स्क्रीन पर थिएटर में जरूर देखना चाहूँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके हिंदी डब वर्जन को लेकर, और मैं चाहूँगा कि आप सभी मित्र भी इसे जरूर जरूर देखें। ये किसी भी प्रकार से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, चाहे एक्शन सीक्वेंसेस हो या म्यूजिक हो या मतलब सॉन्ग्स। म्यूजिक की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, मैंने हमारे रिव्यू में भी एक बात कही थी, आप ये देखिए। बस इसको जब हिंदी में डब किया जाएगा ना तो प्रॉपर करना चाहिए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। क्योंकि इसमें एक तो सॉन्ग्स बहुत सारे थे तो शायद हिंदी डबिंग में वो सॉन्ग्स हटा ही देंगे, और जो 2 म्यूजिकल सीन्स थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, एक बोर्ड रूम मीटिंग वाला सीन और दूसरा एंडिंग का फाइट सीक्वेंस, यार उन सीन्स को पता नहीं वो हिंदी में डब कैसे करेंगे। क्योंकि वो अभी जैसे थे ना, वो सच में वैसे ही बढ़िया थे। उनको डबिंग में वैसे ही रखा जाएगा तो भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, पर प्रॉपर डबिंग करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने 2 वर्ष पहले ही कहा था कि आला वैकुंठ पुरमलोक के जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं, और अगर इसे हिंदी में डब किया जाएगा तो उन सॉन्ग्स को खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जब हिंदी में डब किया जाता है फिल्मों को, तो जो सॉन्ग्स होते हैं या तो उनको हटा दिया जाता है, या जो हिंदी में डब भी किए जाते हैं जो सॉन्ग्स वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण गीता गोविंदम का आप देख लीजिए। अभी तक के मैंने जितने भी तेलुगु फिल्मों के जो सॉन्ग्स सुने हुए हैं हाल ही के समय में, उनमें मुझे गीता गोविंदम के सॉन्ग्स सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। पर उसका हिंदी वर्जन अगर आप देखेंगे ना भाई भाई, वो लिटरली उन्होंने एक प्रकार से अपमान किया है ओरिजिनल सॉन्ग्स का, मैं कहूँगा। इतने बढ़िया वो सॉन्ग्स है गीता गोविंदम के। तो आला वैकुंठ पुरमलोक को अभी जब वो हिंदी में डब कर रहे हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि सॉन्ग्स के साथ उन्होंने क्या किया है। क्योंकि देखिए, मैंने जो बोर्ड रूम मीटिंग वाले सीन को आपको बताया, उसमें अल्लू अर्जुन जी को चिरंजीवी जी और पवन कल्याण जी के पुराने सॉन्ग्स पर डांस करते हुए दिखाया है। अब सोचिए अगर इसके हिंदी डब वर्जन में अल्लू अर्जुन जी को कुछ पुराने बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर डांस करते हुए दिखा दिया जाएगा तो वो कितना अजीब लगेगा, मुझे तो वो कम से कम पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे जो कुछ सीन्स हैं उनमें जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उनको ही यहाँ रखना चाहिए, या पता नहीं, मैं देखना चाहूँगा थिएटर में कि वो उन्होंने क्या किया हुआ है सॉन्ग्स के साथ में। पर फिर भी मैं कहूँगा कि आला वैकुंठ पुरमलोक को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, इसे आपको ज़रूर थिएटर में देखना चाहिए। भले उन्होंने सॉन्ग्स को कैसे भी डब किया हो, पर उससे फिल्म का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उस पर उतना कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आला वैकुंठ पुरमलोक की स्टोरी ले लीजिए, डायरेक्शन ले लीजिए, या बीजीएम हो, सॉन्ग्स हो, एक्शन सीक्वेंसेस, और विशेषतः अल्लू अर्जुन जी का परफॉर्मेंस, उनके डांस मूव्स, उनका स्वैग स्टाइल वगैरह जो भी है,
ये सब फिल्म का मुख्य आकर्षण है और फिल्म कहीं से भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और विशेषतः इस फिल्म का जो मैसेज है, फैमिली वैल्यूज का इसमें जिस प्रकार से सम्मान किया गया है, वो बात मुझे अला वैकुंठ ऊपर हम लोग की सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने इसके रिव्यू में भी आप सबसे कहा था कि हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारा खून, पारिवारिक मूल्यों का इसमें बहुत बढ़िया तरीके से सम्मान किया गया है। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि अला वैकुंठ ऊपर हम लोग के हिंदी वर्जन को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में इसे थिएटर में रिलीज किया जा रहा है, इसके हिंदी डब्ड वर्जन को। वैसे पृथ्वीराज द कश्मीर फाइल्स जो 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, पृथ्वीराज तो अभी 21 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी, तो ये सारी फिल्में पोस्टपोन हो गई है। तो एक काफ़ी बड़ा अच्छा उसे आला वैकुंठ ऊपर हम लोग को बॉक्स ऑफिस पर समय मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जल्दी कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होगी ऐसा लग भी नहीं रहा। तो ये बहुत अच्छा समय उन्होंने चूज़ किया है आला वैकुंठ ऊपर हम लोग को थिएटर में रिलीज़ करने का, और 2 वर्ष के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसलिए मैं विशेषतः देखना चाहता हूँ कि इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है। काफ़ी सारे मित्रों ने, जो अल्लू अर्जुन जी के फैंस हैं, भले ही उन्हें वो तेलुगु भाषा को नहीं समझते हो, पर फिर भी उन्होंने सबटाइटल्स के साथ तो इसे देख ही लिया होगा, पर फिर भी ज़्यादातर जो मास ऑडियंस है वो सबटाइटल्स के साथ में फिल्में देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहे कितना भी कोई कुछ कह ले, पर सबटाइटल्स के साथ में वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस किसी फिल्म को देखने में नहीं मिलता है। बार बार पॉज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो उतना हम अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो पूरी तरीके से जब डब्ड वर्जन हम देखते हैं तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि इसके जो सॉन्ग्स हैं उनको ख़राब ना किया जाए। भले ही अगर आप अच्छे से डब नहीं कर सकते ना, तो भाई जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं ना, वैसे के वैसे ही उन्हें रखना, पर उन्हें कट कर देना या उनको हटा देना, सीन्स को कट करना, प्लीज़ प्लीज़ ये मत करना। मैं इसके जो मेकर से आला वैकुंठ ऊपर हम लोग के, उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सॉन्ग्स को ख़राब मत करना। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो मैंने 3 दिन पहले पुष्पा के सक्सेस वाली वीडियो में कही थी, कि ऐसी जो फिल्में हैं उनका बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे बॉलीवुड की जो मोनोपोली है वो टूटेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमने 25-30 वर्ष पहले हम जो देखते थे, चिरंजीवी जी, वेंकटेश जी, रजनीकांत जी या कमल हसन, इनकी जो कई सारी वो पैन इंडिया फिल्म्स उस समय काफ़ी बहुत सारी फिल्में रिलीज होती थी, आज से 25-30 वर्ष पहले भी, पर पिछले कुछ 25-30 वर्षों में हमने देखा है कि कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रांतवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इस कारण से हमें जो दूरी आई है वो हमें दूर करनी है। तो ये जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जो ऐसी कुछ फिल्म्स हैं उनका सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इससे भविष्य में दूसरी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी, वो भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज़ का उन पर भी कुछ परिणाम होगा, प्रभाव पड़ेगा, और ये एक बहुत बहुत अच्छा संकेत मैं इसे कहूँगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं आला वैकुंठ ऊपर हम लोग को लेकर, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।